अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ में सैलाब जैसी सूरत हाल के सबब परेशान हाल अफराद में शेख ताजुद्दीन की जानिब से खाने के पैकेट तकसीम किए गए। रियासत महाराष्ट्र में पिछले दो दिन के दौरान गुलाब तूफान का असर काफी देखने को नजर आया। रियासत भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। नांदेड़ जिले में भी गुज़िश्ता तीन दिन के दौरान तेज बारिश ने आम जिंदगी को दरहम बरहम करके छोड़ दिया। विष्णुपुरी डैम मुकम्मल लबरेज हो जाने के बाद डैम के 15 दरवाजे खोलकर इजाफाई पानी गोदावरी नदी में छोड़ा गया। नदी में पानी छोड़ने की वजह से गोदावरी नदी की सतह में काफ़ी इजाफा हो चुका है और शहर के नदी के किनारे वाक़ बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। शहर के खड़कपुरा में पानी दाखिल होने की वजह से वहाँ रहने वालों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है, तीन चार दिन से बरसात बर्बादी होने की वजह से लोगों के घर में पानी घुस गया और यहाँ के लोग परेशान है। घर के बेघर हो गए और उनके घर में चिक्कड़ हो गया, खाना पका नहीं सक रहे। हम सोचे कि भाई यहाँ उनको खाना पहुँचाना, दो दिन से खाना हम पहुँचा रहे हैं, अभी आज भी खाना पहुँचा और कल भी परसों खाना पकाएंगे पहुँचाएंगे। यहाँ के GM कॉलोनी, सैलाब नगर, खड़कपुरा, दुलशा नगर, ये लोग जो नाले किनारे से घर में बहुत पानी, इससे पहले पानी घुसा था और अभी यह बारिश बहुत ज़्यादा पानी आ गया और लोग बहुत परेशान हैं। और यहाँ के यहाँ था कि बाल बच्चे परेशान हैं, उनके घर में खाने को नहीं, ऐसे बेरोजगार है बहुत, उनको मजदूरी नहीं है चार पाँच दिन से। और यहाँ के इतना उन्हों खाने पीने के लिए परेशान हुए, हम खाना पकाने की और खाना वाटप चालू करेंगे। खाने और पकाने का मसला पैदा हो रहा था। ऐसे में समाजी खिदमतगार शेख ताजुद्दीन ने अपनी जानिब से परेशान हाल लोगों में खिचड़ी तकसीम की। इनके साथियों में शामिल आमिर खान, फहीम खान, शेख बाबा, शेख जलील वो दिगर मौजूद थे। अब सबको खाना देंगे हम ले आके अब घर पे, और प्रशासन ने अभी तक हमको पेमेंट पैसा नहीं दिया, लिख के लगाए, अभी तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं पहुँचा। यहाँ पे तो कुछ आने उतार नहीं, देखने उतार नहीं, खाली को सब लोग आते होंगे सामने, महापौर आते उनके सामने सामने गाड़ी के सामने आके फोटो उतार के लेके चल जाते। यहाँ के ये उनको ये नहीं करते, ये महिला मरो करो कुछ भी करो, उनको काम नहीं है। 20 साल से यहाँ लोगों की खिदमत करूँगा, करते रहूँगा, मरे दम तक उनकी खिदमत करते रहूँगा। यानी कि हमारे बुजुर्ग महिला वेला हमारे ये अंधे वंधे लंगड़े और अपंग लोग सबके मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ और उनको यहाँ से 400 लोगों का पैसे उठाते हैं। महिला में 1000 मरा मिलता है, उनको 400 लोगों का पैसे उठाते हैं और अभी आगे बहुत लोग उठाएंगे पैसे। महीने में अगर एक भी नहीं बचेंगे, जैसे कि नांदेड़ में मेरे को फ़ोन आते हैं वहाँ पे कि ताज भाई ये काम है वो काम है, तो उनका बिल्कुल काम करके तो मैं नांदेड़ शहर में 20 साल से काम करूँ मैं। और मैं रात दिन भर साइकिल पे घूमता हूँ भाई, मैं कहीं गाड़ी घोड़ी कुछ भी नहीं, वो मेहनत से मैं गरीब पर काम करती हूँ, कोई पैसे नहीं दिया करा तो भी जेब से पैसा खर्च करता हूँ। मेरे साथ बुजुर्ग है, नौजवान भाई, मैं कहा हर बोला बड़ा ताज भाई तो ये साल तुम चुन के देंगे, तुम पीछे नहीं हटना, ये बार बिल्कुल चुन के देंगे। बोले अस्सलाम वालेकुम, ताज भाई ने हमारा बहुत काम करे, ताज ने, ताज के सब बच्चा ने, हमारे यतीम का, बेवा का, सबका सहारा ताज है। और हमारे महल में हब्बू भी है, दवा खानों का काम वो बच्चा भी कर सकता, हाँ आँखा का हो, बीमार हो, वो हो, वो हब्बू भी जाता। और ताज का तो बहुत बड़ा करम और एहसान है हमारे, हमारे को अब तक एक रुपया नहीं था बेटे, वो ताज ने चालू करा, मेरा नहीं पूरे पब्लिक का पैसा ताज ने चालू करा, कोई ना करा, कोई चुन के आया वालों नहीं करे। आज हम मेरी उम्र कितने साल की होंगी, आज तक रुपया कोई लीडर ने चालू नहीं करे, लेकिन ताज ने चालू करा। ताज वाकई में आदमी है और ताज हम चुन के लेंगे, ताज को टिकट दीजिए, ये बराबर है, हम ताज में आए तो इंशाल्लाह बराबर रहेंगे। हब्बू भी हम दर्द है और ताज तो हमारे दिल का जिगर है, हाँ ताज के जैसा तो आदमी कहीं नहीं मिलेगा, मेरा नहीं, हिंदू मुस्लिम हर किसी का ताज है, हाँ सबका चार। अब हमको पैसा मिला, हम आस करें कब पैसा आएगा, कब दवा खाने में बताना, कब पैसा आएगा, कब दवा खाने में बताना। ताज अपने नगद के नौटा खर्चा करके हमारा पैसा चालू करा, हाँ आज ताज के सर का आदमी ना बेटा, हब्बू भी है दवा खानों का करता बच्चा, वो भी गो मेरे को आज एक साल से खांसी थी, हब्बू ने दवा गोला ला के दिया अपने नगद के पैसों से, हाँ ताज के सर का आदमी ने हब्बू जैसे आदमी दोनों को बिल्कुल टिकट दे, हम उसके साथ हैं हब्बू के, आज मैं नहीं भोस्ट है और तो साथ है,
यहाँ पर खड़गपुरे के अंदर जो है तीन चार दिन से जो लोग परेशान हाल है फ्लड के जिम्मन में, इससे पहले भी जो है पानी आया था, जब से भी लोग परेशान थे, कुछ दो दिन नहीं गुजरे कि वापस और ये पानी के हालात बढ़ चुके हैं। इस वजह से लोग ज़्यादा ही परेशान हो गए, उनके घर भी अभी नहीं सूखे, वो वापस आ भी नहीं सके घर में, तो वापस से डबल से ये फ्लड आ गया। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत और भी लोगों की है, मगर ताज भाई के शरीके लोग जो है, हमारे अबू भाई भी है और ताज भाई भी है, ऐसे लोग जो खिदमत के अंदर आज जुड़े हुए हैं, और बाकी लोगों का तो मैं नहीं कहूँगा, ये लोग जो है तहे दिल से पब्लिक का जो है सेवा कर रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं, और जान माल का और सारे चीज़ों का लगाना ये लोगों का जो है जिम्मेदारी बने सर की, एक जिम्मेदार उठा रहे हैं। जिम्मेदारों का तो मैं नहीं बोलूँगा क्या कर रहा है, आप खुद सर्वे करके देखिए कि पूरे हमारे दुलेशा रहमान नगर, खड़गपुरा और डीएम कॉलोनी, ये लोगों को आप जाके समीराबाग में पूछिए तो वहाँ खुद पता चल जाएगा कि वहाँ पर घूमने फिरने वाले और वो लोगों को जानकारी लेने वाले, पूछने वाले ताज भाई के सर के नेता मिलेंगे। और ताज भाई को मैं मुसलसल 8 दिन से देख रहा हूँ, यूँ भी उन्होंने साल के 12 महीने खड़गपुरा ही नहीं पूरे नांदेड़ शहर से काम करते हैं, कूपन कार्ड का हो और इलेक्शन कार्ड का हो या आधार कार्ड का हो या बेवाओं का हो, यतीमों का हो, मिस्किनों का हो, अंधे लंगड़ों की स्कीम हो, 60 साल हो और ऐसे नौजवान जो काम नहीं कर सकते, सुशिक्षित बेकार हो, ऐसे लोगों का, सारे लोगों के साथ में ताज भाई जो भी गवर्नमेंट की सुविधा और स्कीम मिलती है, ताज भाई भरपूर तरीके से तहे दिल से उनका काम करते हैं, और पब्लिक नौजवान ताज भाई को बहुत तहे दिल से चाह रही है, और खड़गपुरे के लोग ये चाह रहे हैं कि आपके ताज भाई के सरकार नेता हम चुन के देंगे। ताज भाई खड़े रहने को तैयार नहीं थे, हम लोगों ने ताज भाई को तैयार किए, और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं ताज भाई के सरकार काम करने वाला अल्लाह की दाद से उम्मीद है चुन कर आएगा। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रूफ राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।